हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इटली की एक कहावत है, वेयर गोल्ड स्पीक्स एवरी टंग इज साइलेंट, यानी कि जहां सोना बोलता है वहां पर हर जुबान खामोश होती है। इसमें कोई शक नहीं कि सबसे मूल्यवान धातुओं में से एक सोने के पीछे पूरी दुनिया सदियों से भागती आ रही है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे महंगी पीली धातु यानी सोने के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे फैक्ट्री में सोने का उत्पादन कैसे होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बकायदा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए अब जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर सोना कैसे बना। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी पृथ्वी के गर्भ में बेशकीमती खजानों का भंडार है, जिन्हें हम शुद्ध पानी, पेट्रोलियम, खनिज और धातुओं के रूप में जानते हैं। अगर सोने के निर्माण के बारे में बात करें तो वैज्ञानिकों के मुताबिक जीवाश्म के कारण सोना धरती के अंदर तैयार हुआ था। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि करोड़ों अरबों साल पहले धरती पर मीटियोराइट्स की वर्षा के कारण ही सभी प्रकार के धातु जमीन के अंदर गहराई में समा गए थे। लेकिन आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन के चलते मानव ने अधिक विकास करके जमीन के अंदर सभी प्रकार के खनिज और धातुओं की खोज करके उन्हें बाहर निकालना शुरू कर दिया है। लेकिन सोने को प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि सोना मिट्टी के नीचे खदानों में विस्फोट करके निकाला जाता है। इसके अलावा जमीन के अंदर सोना एक जगह केंद्रित न होकर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बहुत अधिक मिट्टी और रेत के बीच में फंसा होता है। आपको बता दें कि सोना निकालने की 8 प्रक्रियाएं होती हैं, जिनमें से पहली 5 मानव द्वारा होती हैं और बाकी 3 रासायनिक होती हैं, यानी कि केमिकल प्रोसेस होते हैं। पहला है सोने की खदान की खोज। दोस्तों, सोने को निकालने से पहले जियोलॉजिस्ट ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के द्वारा सोने की मौजूदगी का पता लगाते हैं। ये उपकरण धरती की डेंसिटी और मैग्नेटिक पार्टिकल्स की मौजूदगी को रिकॉर्ड करता है। इसके आधार पर ग्राफ तैयार करके अनुमान लगाया जाता है कि मिट्टी के नीचे कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। इसके बाद अच्छे से गणना करने के लिए जमीन के नीचे ड्रिलिंग करके थोड़ा थोड़ा मलबा बाहर निकालकर उसका विश्लेषण किया जाता है। जमीन के नीचे और भी कई तकनीकों के साथ सटीक धातु जैसे कि तांबा, जस्ता, निकल, चांदी और सोना की जानकारी प्राप्त करने के बाद जमीन को खोदना शुरू किया जाता है। दूसरा है विस्फोटकों से चट्टानों को तोड़ना। अब किस पत्थर को तोड़ना है, इसकी जांच जियोलॉजिस्ट करते हैं और फिर उस पर्टिकुलर चट्टान को डायनामाइट की मदद से तोड़ा जाता है। 300 से 500 मीटर की गहराई से करीब 1 टन पत्थर निकाला जाता है और पूरे दिन में करीब 300 टन मलबा बाहर निकाला जाता है। सोना एक जगह पर जमा नहीं होता और ये सोना ओर यानी कि अयस्क के रूप में मूव करता रहता है। तीसरा है पत्थरों की पिसाई। इस निकाले गए मलबे के पत्थरों को मशीन की मदद से बारीक बालू की तरह पीस लिया जाता है और इस प्रक्रिया में करीब 4 से 5 घंटे लगते हैं। चौथा है बालू को गीला करने की प्रक्रिया। बालू में पानी डाला जाता है और फिर इसको एक टेबल पर डाला जाता है, जिस पर गीला कंबल नुमा कपड़ा बिछा रहता है। जब गीले कण इस कंबल के ऊपर से निकलते हैं तो सोने के कण इस कंबल में चिपक जाते हैं और बाकी फालतू का पत्थर बाहर निकल जाता है। ये प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। ध्यान रहे कि ये प्रक्रिया एक वाइब्रेटिंग टेबल पर संपन्न की जाती है, जिसमें से पत्थर छान लिया जाता है। पांचवा है कंबल को धोने की प्रक्रिया। दोस्तों, पानी में कंबल धोने से सोने के कण अलग हो जाते हैं। सोने से मिश्रित इस पानी को टेबल पर डाला जाता है, जहां से पानी बह जाता है और सोने के अंश टेबल पर जमा हो जाते हैं। बाद में इस जमा हुए सोने से बिस्किट, ईंट, प्लेट और अन्य सामान बनाए जाते हैं। अगर अयस्क में सोने की मात्रा बहुत कम है तो इसके लिए रासायनिक प्रक्रियाओं का सहारा लेकर सोने को अलग किया जाता है और फिर शुद्ध किया जाता है। दोस्तों, ये तो इंसान द्वारा की गई प्रक्रियाएं थी। अब हम बात करते हैं रासायनिक प्रक्रियाओं के बारे में। पहला है साइनाइड की प्रक्रिया। अगर अयस्क में सोने की मात्रा कम होती है तो फिर रासायनिक प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। माइनिंग से निकले पत्थरों और इसके चूर्ण को कार्बन प्लस प्लांट में प्रोसेस किया जाता है और इस पर पोटेशियम साइनाइड डालकर 48 घंटे तक छोड़ दिया जाता है। साइनाइड से रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद मलबे में छिपा सोना तरल के रूप में बाहर आ जाता है। दूसरा है अमलगमेशन।
सोने के अयस्क से शुद्ध सोना हासिल करने के सभी तरीकों में सबसे पहले अयस्क को धोया जाता है और फिर उसे मिल में भेज दिया जाता है। मिल में अयस्क को पानी के साथ साथ छोटे छोटे कणों में पीस लिया जाता है, जिसके बाद अयस्क को पारी की परत चढ़ी हुई प्लेटों से होकर गुजारा जाता है, जहां पर सोना और पारा मिलकर अमलगम बना लेते हैं और इस प्रक्रिया को अमलगमेशन कहा जाता है। एक बार अमलगम बन जाने के बाद इसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि पारा गैस बनकर नहीं उड़ जाता। इसके बाद सोना बचा रहता है। पारे की गैस बहुत ही जहरीली होती है और इसीलिए इसके निकलते वक्त काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। तीसरा है फ्लोटेशन। इस तरीके में जमीन से निकले अयस्क को एक घोल में रखा जाता है, जिसमें झाग बनाने वाले तत्वों के अलावा संग्राहक तत्व भी होते हैं और कुछ दूसरे केमिकल्स भी। झाग बनाने वाला तत्व इस पूरे घोल को झाग में बदल देता है। संग्राहक तत्व सोने के कणों को आपस में बांधते हैं, जिससे एक तैलीय फिल्म बनती है जो कि सतह पर हवा के बुलबुलों से जुड़ जाती है और इसके बाद सोने की इस फिल्म को अलग कर लिया जाता है। अब इन बारीक टुकड़ों को अलग अलग बिस्किट के आकार के सांचों में डाला जाता है, जिसके बाद इन सांचों को गर्म ताप की मशीनों में रखा जाता है और एक निश्चित समय के बाद इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छी तरह तपने के बाद इन्हें ईंट जैसे बड़े बड़े सांचों में बाहर निकाल लिया जाता है। इस समय ये किसी पिघले हुए लावे की तरह दिखाई देते हैं। अब इसे अच्छी तरह साफ कर लिया जाता है और सोने के बिस्किट की तरह ही इनका भार और कंपनी का नाम इन ईंटों पर छाप दिया जाता है। आजकल हाथ की बजाय सभी काम मशीनों से होने लगे हैं, फिर वो चाहे सोने की चेन बनाने का काम हो या फिर किसी हार पर कढ़ाई का काम हो, सभी मशीनों के द्वारा ही होते हैं। यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी सोने की चेन मात्र कुछ ही घंटों में तैयार हो जाती हैं। फिर इन्हें नाप के अनुसार बराबर काट कर डिजाइन भी किया जाता है। इन बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से मात्र एक ही दिन में हजारों चेन तैयार की जाती हैं। और जब भी सोना खरीदने की बात की जाती है तो शुद्धता के रूप में 24 कैरेट गोल्ड को सबसे ऊंची क्वालिटी का सोना माना जाता है। यानी कि कैरेट शब्द का इस्तेमाल सोने की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, जिसका मतलब है कि सोना जितना ज्यादा कैरेट होगा वह उतना ही अधिक शुद्ध और महंगा होगा। 24 कैरेट गोल्ड का मतलब है कि सोना 99.99% शुद्ध होता है और 24 कैरेट सोना शुद्ध होने के कारण मुलायम अवस्था में रहता है। इसी कारण इस सोने के आभूषण नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि ये बेहद लचीले होते हैं और इसीलिए 24 कैरेट सोना केवल सोने की प्लेट, ईंट, बिस्किट और सिक्के बनाने के इस्तेमाल में ही लिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों 22 कैरेट गोल्ड की बात करें तो ये सभी प्रकार के आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। वहीं 22 कैरेट का सोना 24 कैरेट सोने के मामले में थोड़ा कम शुद्ध होता है। 22 कैरेट सोने में 91.6% सोने की मात्रा होती है और बाकी के सोने में 8.3% तांबा, जस्ता, चांदी और निकल जैसे धातु मिलाए जाते हैं, जिसके लिए ये सोना गहने बनाने के लिए लचीला ना रहकर काफी मजबूत बन जाता है। आपको बता दें कि इसी सोने को 916 सोने के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में सोने की प्रमुख खदानें अफ्रीका, पापुआ, अमेरिका, अर्जेंटीना और पापुआ न्यू गिनी में है। तो दोस्तों, सोना निकालने की प्रक्रिया से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सोना निकालना एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है और यही कारण है कि बाजार में सोने के दाम बेहद ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इसे आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।